दोस्तों ये है एक सिलिकॉन कार्बाइड वाला डायमंड जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक असली हीरे जैसी ही होती है। ये जो है कार्बन की जगह सिलिकॉन कार्बाइड के बॉन्ड से बना होता है, लेकिन इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक ओरिजिनल हीरे से बहुत ज्यादा सिमिलर होती हैं। ये बहुत ज्यादा लोड ले सकता है, बहुत ज्यादा हार्डनेस का भी होता है, लेकिन आज हम इसके साथ में एक अलग चीज करने वाले हैं। हम करने वाले हैं इसका हीट टेस्ट, यानी कि इसको करेंगे गर्म बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसको डालेंगे गर्मा गर्म रेड लाल फर्नेस में, जिसका जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है, और फिर देखते हैं कि इस डायमंड का, इस हीरे का क्या होता है, क्या ये गर्म हो जाएगा, क्या ये लाल हो जाएगा, या फिर ये टूट जाएगा, या फिर ये पिघल जाएगा। आई डोंट नो क्या होने वाला है, ये तो टेस्ट करके पता लगेगा। और भाई इनफैक्ट ये वाला जो डायमंड है सिलिकॉन कार्बाइड वाला, वो भी काफी महंगा आता है, तो आप लोग भी प्लीज इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना। हमारा काम है एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने हीरे बचा के रखिएगा। दोस्तों इस सिलिकॉन कार्बाइड वाले डायमंड को बोलते हैं मॉइसनाइज स्टोन, और आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में है। तो फटाक से इसको सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, इससे बाहर इस पे देखो सील ऑफ ऑथेंटिसिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं और इसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर अब ये मेरे हिसाब से खुल जाना चाहिए, और ये है भाई साहब हमारा डायमंड जो कि है मॉइसनाइट स्टोन। आप देखो डायमंड शेप में कटा हुआ है, ये है 1.5 कैरेट का, जैसा कि इसके पैकेजिंग पे लिखा हुआ था। इनफैक्ट इसके ऊपर भी देखो लिखा हुआ था 1.52 CTS यानी कि कैरेट्स। और आप लोग देखो कि ये किस तरीके का दिखाई देता है, इसमें से काफ़ी चमक भी निकलती है, कोई भी जो कॉर्नर है वो रिफ्लेक्शन सा मारता है। आई डोंट नो आपको कैमरा में कितना दिख रहा है, लेकिन भाई साहब असली में जब इसको आंख से देखते हैं तो इसमें से रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, और ये जो है काफी कमाल का लगता है। साइज छोटा सा है लेकिन चीज बहुत कमाल की है। तो भाई यहाँ पर हमारी फर्नेस को करते हैं चालू, और इसमें देखो मैं जैसे तिल्ली लगाऊंगा ये जल जाएगी देखो, और इसको कर देते हैं तेज ताकि ये जल्दी से हीटअप हो जाए। गाइज यहाँ पर हमारी जो फर्नेस है वो अब एकदम गर्म हो चुकी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका ढक्कन हटा के, आप लोग देखो एकदम ये जो है रेड हॉट यानी कि एकदम लाल हो रखी है। इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर आपको मैं तापमान इसका नाप के दिखाता हूँ, तो गाइज यहाँ पर देखो 1044 तक आया था, और फिर जो टेम्परेचर है वो हाई पे चला जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि 1000 डिग्री से ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर है, और एक्चुअली में तो जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री से भी ऊपर है, क्योंकि ये जो मशीन है ये नाप ही नहीं सकती 1150 से ऊपर, इसलिए हाई दिखा देती है। तो अब इसमें डालते हैं डायमंड को, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर एक लोहे की मोटी शीट है जिसको मैं डाल रहा हूँ फर्नेस में, और इसी शीट के ऊपर हम लोग रखेंगे डायमंड को। देखो ये मैंने रख दी है, और इसके ऊपर अब हमको रखना डायमंड। भट्टी को करते हैं एकदम बंद ताकि यहाँ पर गर्मी बिल्कुल कम हो जाए, और उसके बाद इस पर रखते हैं डायमंड। तो यहाँ पर मैं इस डायमंड को इस प्लायर से पकड़ के रख दे रहा हूँ इस शीट के ऊपर, और भाई आप लोग देख सकते हो डायमंड मैंने रख दिया है। इसको सीधा कर देते हैं ज़रा, अरे यार बहुत गर्म है। तो भाई यहाँ पर मैंने इस डायमंड को सीधा कर दिया है, अब जो है फटाक से फर्नेस को ऑन करते हैं। कैमरा पीछे करो, कैमरा जल जाएगा नहीं तो। और ये चल गई फर्नेस, और अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई यहाँ पर मैं इसका ढक्कन ढक रहा हूँ और फर्नेस को तेज कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी से हीट अप हो जाए। तो भाई यहाँ पर अब जो फर्नेस है वो अंदर से गर्म होने लगी है, और जो हमारी लोहे की प्लेट थी वो भी हल्की हल्की रेड होने लगी है, यानी कि लगभग 500-600 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है, और डायमंड अभी भी मुझे दिख रहा है। इसके अंदर जो है डायमंड रखा हुआ है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई। दोस्तों अब जो डायमंड है वो जिस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है वो एकदम रेड हॉट एकदम लाल हो गई है, लेकिन जो डायमंड है वो नॉर्मल ही दिख रहा है मुझे। तो जहाँ तक मुझे दिख पा रहा है डायमंड एकदम जो है कांच की तरह दिख रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, अगर इसी जगह कोई ग्लास होता या फिर कोई कांच होता असली वाला कांच, तो वो जो है लाल हो जाता और हो सकता है पिघल भी जाता, लेकिन जो डायमंड है वो वैसे की वैसे शेप में रखा हुआ है। इसका एक बार टेम्परेचर और मैं नापना चाहूँगा, मशीन दो ज़रा। तो फिलहाल जो हमारी फर्नेस का टेम्परेचर है वो देख सकते हो 1033 डिग्री है, वैसे इससे ज़्यादा ही है लेकिन इतना तो ये नाप रही है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हमारा जो डायमंड है वो इसमें रखा हुआ है, बट
इसमें कुछ नहीं हो रहा। एंड यार एक अजीब सी भी फीलिंग आ रही है कि हमने डायमंड को भट्टी में डाल दिया गर्मा गर्म के अंदर। चलो भाई एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, करना पड़ता है सब कुछ, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। दोस्तों अब पूरा आधा घंटा हो चुका है हमारे डायमंड को इस फर्नेस में रखे हुए, तो अब देखते हैं अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इसके अंदर ये जो लोहे की शीट है ये एकदम रेड हॉट है। थोड़ा पीछे रखो कैमरा यार, बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मा जाएगा। और दिखाओ एक बार ज़रा दूर से, दिखाओ जूम करके, देखो यहाँ पर जो है भाई साहब एकदम लाल है, और जो डायमंड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आप लोग देखो कि डायमंड एकदम डायमंड की तरह ही रखा हुआ है। तो भाई ये इतना गर्म होने के बावजूद जो है, आप लोग देखो हाई पे जा रहा है सीधा टेम्परेचर, 1000 डिग्री से कम पे कोई बात नहीं करता ये, लेकिन फिर भी जो डायमंड है उसको यहाँ पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो अब ज़रा इसको निकालते हैं बाहर, देखो अभी ठंडा हो रहा है ये जो है, देखो कितना जल्दी जो शीट है वो ठंडी हुई है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी गर्म है, बट डायमंड इसके ऊपर रखा हुआ है। वाओ गाइस वाओ, मतलब यार क्या चीज़ है ये, कुछ नहीं हुआ इसको इतना गर्म होने पे भी, लोहा लाल हो गया लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। तो भाई अब ये जो है कुछ हद तक ठंडा हो चुका है, डायमंड को निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और आप लोग देखो कि भाई साहब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है या फिर कुछ हुआ है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं एक बार फिर देखते हैं। तो भाई यहाँ पर जो डायमंड है आप लोग देखो, मुझे तो लग ही नहीं रहा इसको कुछ हुआ है, इसको ज़रा एक बार देखते हैं बढ़िया से। तो भाई साहब जो डायमंड है वो आप लोग देखो कि एकदम इसकी शेप में है, पीछे से भी और आगे से भी, और अभी भी जो है ये चमक भी दे रहा है, और ये जो है इस भट्टी के अंदर जा कर के आया है काफ़ी देर तक, और अभी भी जो भट्टी है वो गर्म है। एकदम लाल एनवायरनमेंट में रखा था, बिल्कुल गर्मा गर्म 1200-1300 डिग्री में, लेकिन गाइस ये डायमंड है इसलिए इसको कुछ भी नहीं हुआ। कैन यू बिलीव इट कि ये जो हीरा है ये वैसा का वैसा रहा है इतना गर्म होने के बाद भी। तो अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से बनता है, मैं तो काफ़ी शौक हूँ इसको देख के। मुझे लगा कि ये जो है शायद क्रैक हो जाएगा, या फिर गर्म होकर इसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर शायद इसकी शाइनिंग चली जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा है। तो भाई मज़ा आ गया, लाइक कर देना वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।